मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है सीएलसी के इस ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ईयर लॉन्ग क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं और उसमें हम 22 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर चल रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण। और ये आपका हिंदी का बैच है। तो बेटा, मैं ऋषिराज यादव फिर से आपका इस क्लास में वेलकम करता हूँ। और अब हम लास्ट क्लास में क्या स्टडी कर रहे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो AIPMT में 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं, जो डिफरेंट टाइप के पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। फिर उसके बाद में डिफरेंट जूसेज जो पार्ट हैं उनका डाइजेशन में किस तरीके से रोल होगा उसके बारे में बात करें। तो पहले एक बार मैं एक समराइज कर दूं कि क्या क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम एक बार संक्षिप्त रूप में उनका देख लें तो आपको एक आइडिया मिलेगा। लार में या सलाइवा में कौन कौन से घटक हैं, सलाइवा के कौन कौन से घटक। इसके अलावा हम ये देखें जठर रस के घटक, गैस्ट्रिक जूस के कौन कौन से घटक, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पैनक्रिएटिक या अग्नाशी रस, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे आंत्रीय रस या इंटेस्टाइनल जूस की बात। यदि मैं आपसे ये कहूं कि आंत्रीय रस के क्या क्या घटक हैं तो आप कहेंगे डाइपेप्टाइडेज, डाइसैकेराइडेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, न्यूक्लियोसिडेज, यही कहेंगे, जिसका अधिकांश भाग वाटर का है। और एंजाइम की फॉर्म में क्या क्या है, यहां पर डाइपेप्टाइडेज है, डाइसैकेराइडेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियोसिडेज। डाइसैकेराइडेज को यदि ओपन करें तो आपके पास लैक्टेज हो सकता है, सुक्रेज या इन्वर्टेज हो सकता है, या फिर माल्टेज हो सकता है। क्लियर, ये सभी आंतरी रस के पार्ट। पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो एंजाइमेटिक पार्ट में क्या क्या होगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेज है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन। ये सारे पार्ट पैनक्रियाटिक जूस के या पैनक्रियाटिक
रस या अग्नाशी रस के बाद, इसके एंजाइमेटिक पार्ट की बात करें पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, और नॉन एंजाइमेटिक पार्ट में इसके पास में HCl। लार के अंदर बात करें तो लार के घटक क्या क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयन, पीएच वैल्यू 6.8 है, सेलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, या लाइसोजाइम, या म्यूसिन, या थायोसाइनेट, या एंटीबॉडी ए। देखिए बेटा, अलग अलग जो इंटेस्टाइनल जूस की यदि मैं बात करूं तो इंटेस्टाइनल जूस का पीएच जो होता है वो होता है क्षारीय। इसका पीएच पैनक्रियाटिक जूस का भी क्या होता है, क्षारीय। इसका अम्लीय होता है, हाईली एसिडिक। तो यहां की पीएच जो होती है 1.3 से लेकर 2.5 तक, यहां पर पीएच 6.8। और यदि बाइल जूस की बात करें, बाइल जूस पीत रस, जहां पर एंजाइम नहीं है इसीलिए इसको आभासी पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी पीएच देखी जाए तो इसकी पीएच भी कैसी है, इसके पास पीत लवण, बाइल साल्ट, कार्बनिक भी है और अकार्बनिक भी है। पीत वर्णक, मींस बाइल पिगमेंट्स, इसके पास बिली रूबिन जो पीला कलर होता है, और बिल वर्डिन जो हरा कलर होता है। तो बाइल जूस के पास ये सभी पार्ट। तो आपसे कहा जाए कौन कौन से का पीएच क्षारीय है, पैनक्रियाटिक जूस का क्षारीय है, आंतरिक रस का क्षारीय है, पीत रस का क्षारीय है, अम्लीय, हाईली एसिडिक किसका है, जठर रस का पार्ट है, और सलाइवा का स्लाइटली एसिडिक या लगभग न्यूट्रल पीएच है। तो आपको ये सभी कंपोजिशन भी पता होने चाहिए, क्या क्या घटक है। इसके अलावा बाइल जूस में पीत वर्णक और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड, ये भी होता है, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन की फॉर्म। तो ये सभी तो हमने बातें की थी पहले भी, तो इसको मैंने संक्षिप्त रूप बताया है कि ये सभी घटक आपको पता होने चाहिए। AIPMT 2011 से लेकर 2019 तक किस तरीके के यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जरा एक बार उन पे नजर डाल लेते।
देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे पूछे जा चुके हैं, आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया ग्लाइको जीनो लाइसिस है, याद करो मैंने आपको लीवर के 17 से 18 फंक्शन या कार्य बताए थे, उसमें यह बताया था ग्लाइकोजन लाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है ब्रेकडाउन। ऑप्शन क्या दे रखे हैं वो देखो, और ये क्वेश्चन AIPMT 2011 में पूछा गया। पहला है शर्करा का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, कोई भी शर्करा है शर्करा का ग्लाइकोजन में, कोई भी शुगर मॉलिक्यूल से ग्लाइकोजन नहीं, ग्लाइकोजन का तो ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये तो गलत हो गए। दूसरा है शर्करा का ऑक्सीडेशन, शर्करा का ऑक्सीडेशन नहीं, शर्करा का ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा, ग्लाइकोजन का शर्करा में रूपांतरण, हाँ ये बिल्कुल सही है क्योंकि ग्लाइकोजन का रूपांतरण हो रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। तीसरा, चौथा है ग्लाइकोजन का वसा में रूपांतरण, नेम इंडिकेट कर रहा है ग्लाइकोजन का लाइसिस हुआ है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ है। तो ग्लाइकोजन है, जब भी आपके पास में ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है और ये ग्लूकोज में टूट रहा है तो हम कह सकते हैं ये ग्लूकोज हो, ये तो ग्लाइकोजन का, ग्लूकोज क्या है शुगर, इसके अंदर रूपांतरण क्या है ग्लाइकोजिनो लाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु के जठर रस में पाया जाता है, में पाया जाता, ऑप्शन देखिए बेटा क्या क्या बना रखे। शिशु का जठर रस, इसका मतलब छोटे बच्चे के बारे में पूछा, जठर रस का मतलब गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं न्यूक्लिएज, पेप्सिनोजन, लाइपेज, माल्टेज, पेप्सिनोजन, रेनिन, एमाइलेज, रेनिन, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन, पेप्सिनोजन, लाइपेज। देखो बेटा किसकी बात कर रहा है, छोटे बच्चे के अंदर जठर रस की बात कर, तो छोटे बच्चे के अंदर जठर रस में आप ये बताओ क्या न्यूक्लियस होगा क्या, गलत, क्या माल्टेज होगा क्या, गलत, क्या एमाइलेज होगा क्या, गलत, पेप्सिनोजन भी है, लाइपेज भी है, रेनिन भी है, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
गाय एवं भैंस की आहार नाल में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? देखिए पहला दे रखा है क्लोरेला जातियां, फ्यूकस जातियां, साइनोबैक्टीरिया, मेथेनोजेंस। याद करें बेटा, मैंने आपको बताया था कि काऊ के अंदर या कैटल्स के अंदर कैसा स्टमक होता है? कंपाउंड स्टमक होता है। कंपाउंड स्टमक। और उनके स्टमक में कौन कौन से पार्ट थे याद करो। रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेसम है, एब ओमेसम है, ये थे। यहां पर आपने देखा था रूमेन और रेटिकुलम इस पार्ट के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे और वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मेथेन गैस को रिलीज करते हैं जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसीलिए गाय और भैंस की आहार नाल में क्या पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया नहीं, फ्यूकस स्पीसीज नहीं, क्लोरेला स्पीसीज नहीं, मेथेनोजेंस पाए जाते। इसीलिए हमने वहां पर कैटल के स्टमक की बात भी की थी और देखो कैटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम अब्सेंट इन इंटेस्टाइनल जूस? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आंत्रीय रस में अनुपस्थित होता है? आंत्रीय रस में अनुपस्थित होता है कौन सा एंजाइम? एंजाइम मीन्स कौन सा वीकर आंत्रीय रस में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन क्या दे रखे हो देखे। पहला माल्टेज, ये तो होता है। दूसरा लाइपेज, ये भी होता है। तीसरा न्यूक्लियोसिडेज, ये भी होता है। चौथा न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज बेटा पैनक्रियाटिक जूस का पार्ट है, इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट नहीं है। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए इससे अगला क्वेश्चन। ये जो मैंने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है ये AIPMT 2015 में पूछा जा चुका है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो AIPMT 2016 में पूछा गया है। आमाशय में जठर अम्ल का स्राव
किया जाता है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे, गैस्ट्रिन स्राव करने वाली कोशिकाओं से अम्ल कोशिकाओं से अम्लीय कोशिकाओं से पेप्टिक कोशिकाओं से पेप्टिक कोशिकाओं से भित्तीय कोशिकाओं से भित्तीय कोशिकाओं से आमाशय में जठर अम्ल। ध्यान रखिए बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब यहां पर गैस्ट्रिक एसिड की बात कर रहा हूं, गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस की बात नहीं कर रहा। गैस्ट्रिक जूस में तो बहुत सारी चीज, वो केवल इसकी बात कर रहा है। और गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है? HCl। और आपको पता है HCl और इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर ये कौन रिलीज करता है? पैराइटल या ऑक्सेंट्रिक सेल। और इन्हीं पैराइटल को ही क्या नाम देते हैं? भित्तीय कोशिकाएं। तो ये गलत हो गया क्योंकि पेप्टिक सेल क्या करता है, इनको जाइमोजन सेल भी बोलते हैं। ये क्या रिलीज करता है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। भित्तीय कोशिका ये क्या कर रही है? HCl प्लस इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर एसिडिक, ये एसिडिक सेल है। और गैस्ट्रिन ये जी सेल। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट। ये AIPMT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए और क्वेश्चन कैसा पूछा गया, 2017 का क्वेश्चन देखें। लीबर कोन की परगुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम देखिए बेटा, लीवर कोन की परगुहिका कौन सी कोशिका है एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। अब देखो लीवर कोन क्या है, मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइनल रीजन में इस तरीके से अंगुली नुमा पर्वत पाए जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? विलाई। और इनके ऊपर छोटे पर्वत और भी होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो विलाई, जो इसके सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं जिससे पाचन और अवशोषण ज्यादा हो सके। तो ये ड्यूडेनम भाग में जाकर और भी ज्यादा डेवलप हो जाते हैं जिनको बोलते हैं लीवर कोन की दरारें। और इन लीवर कोन की दरारों के अंदर विशेष प्रकार के सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं पिनिथ सेल। और ये पिनिथ सेल क्या रिलीज कर रही है?
लाइसोजाइम, तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखे वो भी देखो। ऑप्शन में दे रखा है पेनेथ कोशिकाएं, जाइमोजन कोशिकाएं, जाइमोजन कोशिकाएं, कूफर कोशिकाएं, रजत रंजी कोशिकाएं। देखो बेटा ऑप्शन से वैसे हिंट मिलना चाहिए। लीबर कोन की दरारें या लीबर कोन की परगुहिका जो है, ये जो आंतरीय भाग में पाई जाती है, इसके अंदर कूफर सेल तो लीवर में होती है, गलत हो गया। जाइमोजन स्टमक में होती है, गलत हो गया। इंटेस्टाइनल रीजन में कौन सी है, पेनिथ सेल, ये तो कलरफुल सेल है, ये भी गलत हो। करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, तो लीवर कोन की परगुहिका में पेनिथ सेल्स है जो लाइसोजाइम सिक्रेट करती है, जो एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी है। अब देखिए बेटा लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, वो भी एक बार देख लेते। क्वेश्चन 2019, कोशिकाओं को पहचानिए, कोशिकाओं को पहचानिए जिनके स्राव जठर आंतरीय पथ, जठर आंतरीय के स्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित करती है। ऑक्सिनटिक कोशिकाएं, ग्रहणी कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं या म्यूकस कोशिकाएं। देखिए बेटा कोशिकाओं को पहचानिए जिनका स्राव जठर आंतरीय पथ, जिनका स्राव सीक्रेशन, जठर आंतरीय पथ इसका मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल का पथ, इसका अस्तर है उसको प्रोटेक्ट कर दे। डिफरेंट एंजाइम यहाँ गिरेंगे तो इसको बचाने का काम, अस्तर को बचाने का काम कौन करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं वो श्लेष्मा का श्रावण करती हैं, और ये श्लेष्मा यहाँ पर रहता है जिससे एंजाइम डायरेक्टली इसके वाल के ऊपर या स्तर को डैमेज नहीं कर पाता। तो कौन सी है जो एंजाइमों से सुरक्षा करती है, जिन्हें बोल रहे हैं गोबलेट सेल, जो म्यूकस का श्रावण करती है। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, जो सलाइवा से संबंधित है। लार से संबंधित असत्य कथन है, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन टाइलिन अल्फा लार एमाइलेज तीसरा म्यूसिन लाइसोजाइम थायोसाइनेट आयन, और चौथा ऑप्शन है प्रतिरक्षी IgG। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को, लार से संबंधित है सलाइवा, आपको पता है लार का pH 6.8, कौन कौन से आयन है, सोडियम है पोटेशियम है क्लोराइड है बाइकार्बोनेट आयन है, पहला तो सही। इसमें एंजाइम की फॉर्म में क्या पाया जाता है, या तो लाइसोजाइम मिलता है या सलाइवरी एमाइलेज। भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए क्या होता है, म्यूसिन, और क्या होता है, थायोसाइनेट एंटीबैक्टीरियल साल्ट के रूप में। तो देखो म्यूसिन लाइसोजाइम ये भी सही है, सलाइवरी एमाइलेज ये भी सही है, और मैंने बताया था एंटीबॉडी IgA पाई जाती है, IgG ये गलत है। दोनों में अंतर क्या है, IgG एंटीबॉडी आपको बढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा, ये एक मोनोमर यूनिट है, IgA यूनिट क्या है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये एक डाइमर यूनिट, एक मोनोमर हो गई एक डाइमर हो गई, तो IgG नहीं, कौन सी होगी, IgA एंटीबॉडी होती है सलाइवा के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो बेटा प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैंने आपको हिंट देने की कोशिश की है कि यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कोई भी एक बैलेंस डाइट है, आपको पता है बैलेंस डाइट में क्या, कार्बोहाइड्रेट भी है लिपिड है प्रोटीन है मिनरल्स हैं विटामिन है, ये सभी फूड मटेरियल बैलेंस डाइट के फॉर्म में बॉडी में जा रहे हैं, जिनमें से मेजर फूड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 4 times होना चाहिए लिपिड और प्रोटीन 1 time होना चाहिए। ये बैलेंस डाइट जब हमारी बॉडी में जाएगी तब हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट में ATP की फॉर्म में ये जो है एनर्जी देगी। अब वो एनर्जी दो फॉर्म में है, हमारे पास क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन,
हमारे पास क्या है, लिपिड है, हमारे पास और क्या है, हमारे पास प्रोटीन है। ये तीनों पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा, तो एनर्जी लिपिड करता है, फिर प्रोटीन करता है और फिर कार्बोहाइड्रेट। और यदि आपसे ये कहा जाए कि कंज्यूम किसको करेंगे, कंज्यूम बॉडी किसको सबसे पहले करती है, कार्बोहाइड्रेट को, देन लिपिड को और सबसे लास्ट में, तो आपसे पूछा जाए एनर्जी सीक्वेंस तो फर्स्ट सही, कंजम्पशन सीक्वेंस पूछा जाए तो सेकंड सही। अब हमारी बॉडी में मेजर फूड सोर्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये आगे चलकर एनर्जी देंगे। तो इस कार्बोहाइड्रेट को यदि बॉडी के अंदर डाला जाए तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस एनर्जी को हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोलेंगे। और ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन हमारे पास बॉडी के अंदर नहीं डाला गया, इसको अब कैलोरीमीटर में तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो उसे बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। और ये कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी फिजियोलॉजिकल वैल्यू के कंपैरिजन। किलो कैलोरी की फॉर्म में देखा जाए तो कैलोरीमीटर के अंदर 100% दहन संभव है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी की फिजियोलॉजी के अंदर 100% पाचन संभव नहीं है। तो यदि बॉडी के अंदर इनको इन किया है तो बॉडी के अंदर इन करने पर कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन बॉडी के अंदर ये भी 4, और लिपिड 9 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करेगा। और यदि ये कैलोरीमीटर में है तो ये 4.1, ये 5.65 एंड ये 9.4। तो आपने देखा एनर्जी का सीक्वेंस कार्बोहाइड्रेट का सबसे कम, प्रोटीन का उससे ज़्यादा और लिपिड का। तो ये हमें फिजियोलॉजिकल वैल्यू और कैलोरीमीटर में कैलोरीफिक वैल्यू जो जनरेट करनी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भोजन का डाइजेशन करवाना पड़ेगा, उस भोजन का पाचन करना पड़ेगा। और उस भोजन का पाचन करने के लिए हमारे बॉडी पार्ट में कौन से भाग में किस तरीके से डाइजेशन होगा, वो हम एक एक सीक्वेंस लेते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन। देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक साइड में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी के बाद में ड्यूडेनम पार्ट में। ये ग्रहणी वाला भाग है और ये मुख गुहा वाला भाग है। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बॉडी में स्टार्च एंटर किया। स्टार्च क्या है, ग्लूकोज की इस तरीके से
रेखीय क्रम में, यहाँ पर ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में 1,4 लिंकेज है, ये ग्लूकोज ये ब्रांचिंग फॉर्म में, ब्रांचिंग पॉइंट पर 1,6 और अनब्रांच फॉर्म पर 1,4 लिंकेज। इस भाग को हम बोल रहे हैं बेटा एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तब हमारे पास क्या बनेगा, स्टार्च। स्टार्च रियली में क्या है, पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलीसेकेराइड जो है एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसे सिंपलर फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, मोनो सेकेराइड। हमें इस पॉलीसेकेराइड को इसमें कन्वर्ट कराना है। तो जैसे हमने बैलेंस डाइट ली तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, जैसे ही बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में स्टार्च है। मान लो मुख गुहा में चाहे, मुख गुहा में जाते इसको क्या बोल रहे हैं हम, बोलस। इस बोलस के अंदर क्या है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू क्या है 6.8, सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के फॉर्म में, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल फॉर्म में, म्यूसिन फूड को स्टिकी या चिपचिपा बनाएगा, और इसके अलावा थायो साइनेट एंटीबैक्टीरियल साल्ट। इसका मतलब यहाँ पर सलाइवा के अंदर मिक्स हो गया, तो सलाइवा का कंपोजिशन, सलाइवा को बनाने के लिए 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे छोटी सबलिंगुअल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लार बनाती है वो क्या है, सबमैंडिबुलर। स्टार्च जैसे ही सलाइवा या लार के कांटेक्ट में आया, ये क्या करेगा, इस पॉलीसेकेराइड को डाईसेकेराइड में तोड़ देगा, और डाईसेकेराइड यहाँ पर क्या है, माल्टोज। यदि डाईसेकेराइड में तोड़ा है तो माल्टोज कितना परसेंट, 30%। लेकिन मुख में भोजन थोड़ी देर के लिए रहा तो वो लगभग 3% डाइजेशन करता है, और लगभग 27% स्टमक तक पहुंचते पहुंचते और पॉसिबल हो जाता है, इसलिए टोटल पार्ट हम क्या कर रहे हैं, 30%। अब माल्टोज बने क्योंकि थोड़ी देर के लिए रहा है, माल्टोज तो ये है ग्लूकोज की 2 यूनिट, यहां 2 यूनिट, तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 यूनिट ही बनी, कुछ बड़ी यूनिट भी बन गई होंगी। तो माल्टोज यदि ऑप्शन में नहीं है तो आइसो माल्टोज लिखा हुआ है तो भी सही है, या फिर लिमिटेड डेक्सट्रिन लिखा हुआ है तो भी सही, ये भी इस बड़े पॉलीसेकेराइड के छोटे टुकड़े। तो सबसे पहला ये जो पार्ट है, ये तो कहां पर पॉसिबल हुआ है, ओरल कैविटी। अब जा रहे हैं हम ड्यूडेनम भाग में, ड्यूडेनम भाग में क्या है, पैनक्रिएटिक जूस वाला पार्ट। पैनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से पार्ट, काइमो ट्रिप्सिनोजन, क्या ये इस पे काम करेगा, नहीं। ट्रिप्सिनोजन क्या कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, नहीं। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या ये काम करेगा, नहीं। न्यूक्लियेज नहीं, लाइपेज नहीं, एमाइलेज ये करेगा। इसको एमाइलोप्सिन भी बोलते हैं, लिपिड को डाइजेशन करने वाले को
स्टीएप्सिन भी बोलते हैं, और प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले को इरेप्सिन भी बोलते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस का ये जो पार्ट है, ये तीनों प्रोटीन से रिलेटेड, ये न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड, ये लिपिड से रिलेटेड, और ये किससे रिलेटेड है? कार्बोहाइड्रेट से। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अभी तक यहाँ पर 30% का डाइजेशन हुआ, तो बच गया कितना? 70%। तो 70% जो हमारे पास स्टार्च मिलेगा, स्टार्च एक क्या है? पॉलीसेकेराइड। उसके ऊपर ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज काम कर उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। डाइसेकेराइड में यहां पर क्या मिला? माल्टोज। कितना परसेंट? 70%। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब यहां पर इस पैनक्रियाटिक जूस ने काम कर दिया, लेकिन अभी एक पार्ट और बचा है। कौन सा? इंटेस्टाइनल जूस वाला पार्ट। इंटेस्टाइनल जूस वाले पार्ट में कौन कौन से कंपोजिशन है? डाइपेप्टाइडेज। क्या ये काम करेगा यहां पर? कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा? नहीं। न्यूक्लियोसिडेज ये भी काम नहीं करेगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज ये भी काम नहीं करेगा। डाइसेकेराइडेज, हाँ ये काम करेगा, क्योंकि हमारे पास ये यूनिट डाइसेकेराइड मिली। अब डाइसेकेराइडेज कैसे काम करेगा, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते। देखिए बेटा, डाइसेकेराइडेज क्या क्या है? हमारे पास ये शुगर है, माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, सुक्रोज हमारे पास डाइसेकेराइड है, लैक्टोज हमारे पास डाइसेकेराइड है। यदि स्टार्च का डाइसेकेराइड बना, तो यहां पर तो माल्टोज बना, लेकिन ये भी तो डाइसेकेराइड है। माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में यहाँ पर 1,4 लिंकेज होगी। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 1,4 लिंकेज नहीं, 1,2 लिंकेज होगी। लैक्टोज में ये भी रिड्यूसिंग शुगर। देखिए बेटा, इनका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। हमारे पास एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इसका फर्स्ट कार्बन इसका 4 कार्बन से जुड़ गया, लेकिन दूसरे वाले का फर्स्ट फ्री है, तो वो दूसरे का रिडक्शन कर देगा। सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है। ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप CHO और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप कीटो, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, तो ऐसे में रिडक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग। लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इसका 1 इसका 4 आपस में जुड़ गए, तो यहां पर 1 फ्री रहे। ऐसे में यदि एनोमेरिक कार्बन फ्री है, तो वो दूसरे का क्या कर देगा? रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग। अब मान लो हमारे पास माल्टोज डाइसेकेराइड मिला, ये सभी क्या है? डाइसेकेराइड की बात कर रहा हूं। हमारे पास लैक्टोज मिला, हमारे पास सुक्रोज मिला, तो यहां पर डाइसेकेराइडेज जो एंजाइम काम करेगा, वो काम करेगा माल्टेज, और माल्टेज इस माल्टोज को ग्लूकोज की 2 यूनिट में, और अब आपको पता है ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज ये क्या है? मोनो सेकेराइड। यहां पर एंजाइम काम करेगा, उसे बोलते हैं लैक्टेज, और वो क्या करेगा?
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये भी क्या है? मोनोसेक्राइड यूनिट। और यहां पर जो काम करेगा इन्वर्टेज, या किसी को बोलते हैं सुक्रेज, जो एक बनाएगा ग्लूकोज और एक बनाएगा फ्रक्टोज। यहां पर यह भी मोनोसेक्राइड, 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 और डाइसेक्राइड का मोनोसेक्राइड में कन्वर्जन का काम यहां पर कौन सा काम करेगा? डाइसेक्राइडेज। और ये डाइसेक्राइडेज कहां पर पाया जाता है? इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, आंत्रीय रस के अंदर पाया। और मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी हमें डाइजेशन करवाना है तो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है। हमारे पास पॉलीसेक्राइड था, उसको हमने मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। तो इंटेस्टाइनल भाग में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जबकि इंटेस्टाइनल की ओरल कैविटी, इंटेस्टाइनल पार्ट में कंप्लीट हुआ, जबकि एलिमेंट्री कैनाल के ओरल कैविटी या मुख गुहा भाग में उसी पॉलीसेक्राइड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो आपसे पूछा जाए कि बैलेंस डाइट में जो भी हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो सबसे पहले डाइजेशन कौन से पार्ट का स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का। इसी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट कहां पर होता है? इंटेस्टाइनल भाग के अंदर। तो जैसा आपने आज देखा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में लिपिड का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इसकी बात करेंगे। और जब ये पूरा भोजन का पाचन हो जाएगा तो सिंपलर फॉर्म जो आएगी उसका हम एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कराने में रोल अदा करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो आज हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट टाइप के जूसेस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, सलाइवरी कंपोजिशन। इसके अलावा इनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेरीज 2011 से लेकर 2019 तक पूछे गए हैं, उन सब की बारे में बातें की। इसके अलावा हमारी बॉडी पार्ट में इस जूस का रोल क्या होगा, तो सबसे पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे संभव होगा आहार नाल के अलग अलग भाग में। तो मुख गुहा में अलग 30%, ड्यूडेनम पार्ट में जाकर 70%, इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अलग अलग स्टेज में और एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग भाग में संभव हो पाएगा। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट क्लास में हम और आगे डिटेल में बातें करेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन का पाचन होगा और किस तरीके से लिपिड का पाचन होगा और उनका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से संभव होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक बार अभी तक जितना भी हमने जो पढ़ा है उसको एक बार समराइज करके आप उसको रिवाइज करके देखें कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। एलिमेंट्री कैनाल का माउथ पार्ट कैसा है, इसोफेगस पार्ट कैसा है, स्टमक पार्ट कैसा है, स्टमक पार्ट में कौन कौन सी सेल्स हैं, कौन कौन सी सेल का क्या क्या रोल है, इन सभी पार्ट से कौन कौन से जूस रिलीज हो रहे हैं, जूस रिलीज हो रहे हैं तो लीवर की स्ट्रक्चर कैसी है, पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर कैसी है, इन दोनों का रोल क्या है, आपस में कोरिलेट करके देखें और इन सभी जूसेज का पाचन में क्या रोल है, ये सभी आप कंपेयर करके देखें, तब जाकर आपको चैप्टर और सिंपलर फॉर्म में समझ में आए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।